thank you for joining us today. First of all, congratulations on your achievement. Thank you so much, and thanks to Academically also that they made this. उन्होंने इतना आसान बनाया, वरना इतना आसान मतलब था आसान, but it's because of the Academically. डर लग रहा था. Okay. Yeah. तो अभी कब पता चला आपको? आपने रात में ही चेक कर लिया था रिजल्ट आपका? Yeah, groups पे I was like पहले था कि शायद 19 को था जो पहले date थी. Then I didn't check the website ना, website पे मैंने check नहीं किया. Then someone posted on the group that you pass. So I just came from some event. मैं किसी event से आई थी. Then I just I just wake up like I just check my result and when I saw the result I was worried like paper 2 मुझे बहुत डर लग रहा था कि बस गया लेकिन it was like जब मैंने रिजल्ट देखा तो my god everyone was sleeping my मेरी मम्मी जाग रही थी खाली तो I was like mummy can what happened and I passed my exam so she was so happy because you know I was keep on saying her like mom I am worried about paper 2 I don't know whether I will pass or not my mother said no worries Allah is with you ho jayega koi masla nahi hai so bas aise hi result dekha to bas उस वक्त से मेरा माइंड था जस्ट व्हेन आई ग्रेजुएटेड 2016 में मैंने ग्रेजुएट किया था सो उस वक्त ये था कि मैं अपना जर्नी मुझे अब्रॉड ही शिफ्ट करना है बिकॉज उसमें पता था आपको हॉस्पिटल और आपको उससे स्टार्ट करना है सो फ्रॉम देन आई हैव स्टार्टेड लाइक कि मुझे यहीं से शुरू करना है हॉस्पिटल मैंने अपना करियर बनाया देन उसके बाद मुझे गल्फ की अपॉर्चुनिटी मिली दुबई के लिए तो राइट नाउ मैं अभी दुबई में होती हूँ एज अ DHA लाइसेंस फार्मासिस्ट काम कर रही हूँ सो पाकिस्तान से मूव करना मेरे लिए इतना इजी नहीं है बनिस्बत के कि मैं वहां जाऊं मैं गल्फ गई देन वहां से ही मैंने अपना माइंड बनाया था कि विद इन वन ईयर मुझे वन ईयर हुआ है गल्फ में आई हैव जस्ट कि मैं गई थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाना है तो तो मेरे माइंड में था मैं यहाँ से लेके गई थी एंड सी इट्स वन ईयर में मैंने ये सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट किया एंड Academically के थ्रू Academically से मैं वीडियोस देखती थी सारा क्रम की तो एंड मैं कम्युनिकेट भी करती रहती थी मतलब मैनेजमेंट से वो के क्या सारा क्रम की वीडियोस भी आती रहती थी यूट्यूब पे सो इट मोटिवेटेड मी अ लॉट और उसके बाद फिर ये था कि जैसे ही नवंबर का बैच स्टार्ट हुआ आई हैव प्लान दैट आई हैव टू गिव नवंबर बैच नो मैटर व्हाट सो मैंने बस एनरोल हुई मैं नवंबर बैच में और जून से शुरू हुआ था मेरा नवंबर बैच और सिंस देन फर्स्ट डे आई वाज स्ट्रगलिंग दैट आई डिडंट मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि यूएई में मैं अकेली हूँ जॉब के साथ 10 hours जॉब के साथ आपको करना इवनिंग मैनेज करना रोटेशंस ड्यूटी होती है मतलब आपका तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका वीक डेज पे ऑब्वियसली जॉब होगा आई थिंक फ्राइडे आप लोगों को छुट्टी मिलता है हां बस हमारा वीक में एक ऑफ होता था कभी-कभी ऐसा होता था कि शेड्यूल ऐसा होता था कि हमें वीक ऑफ भी नहीं मिलता था सिंस लाइक 15 डेज स्ट्रेट आई एम गोइंग सो मेरा ऐसा था मेरी 2 टू 11 मेरी ड्यूटी होती थी इवनिंग सो आती थी मैं लेकिन 8 o'clock इन द मॉर्निंग आई जस्ट वेक अप और मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती थी देन 4 आवर्स में अपनी प्रिपरेशन करती थी दैट यू हैव डन मतलब जैसे आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो जैसे आप बोल रहे हो कि 8 बजे आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो राइट तो हाउ यू यूज्ड टू स्टार्ट मतलब कि कांसेप्ट पढ़ लिया देन थोड़ा क्वेश्चन कर लिया हाउ यू हैव प्लान्ड योर डे नो वो मैं प्लान कर जैसे मैम CVS हमारा खत्म हुआ तो आई फोकस ऑन CVS फर्स्ट फिर जो जो लेक्चर्स होते जाते थे तो मैं उसको रिवीजन करती जाती थी पहले थोड़ा ही मुश्किल होता था कि क्लासेस मैंने रेगुलर ली हैं और कुछ नहीं भी ली तो मोस्टली मेरे लिए होता था ड्यूटी की वजह से मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी पड़ती थी बट कभी कभी ये होता था कि ड्यूटी में मैं टाइम निकालती थी कि अगर मैंने क्लास नहीं ली है तो मैं कोशिश करती थी मैं ड्यूटी टाइम में जो मैंने क्लास नहीं ली है वो रिकॉर्डेड क्लास में विद इन ड्यूटी टाइम ले लूँ ताकि नेक्स्ट डे मैं रिविजन कर सकूँ सो आई ट्राई टू सेव दैट टाइम बिकॉज 2 घंटे की 1 घंटे की आपकी क्लास भी होती थी देन यू हैव टू रिवाइज सो जी मेरा यानी जून से लेके अब तक का जो पीरियड था मेरे लिए बहुत टफ था बट एनी हाउ मैंने कर लिया
वही होता है ना कि जब आप आपका टारगेट सेट कर लेते हो तो एनी हाउ यू विल फाइंड आउट अ वे टू अचीव इट. या टारगेट यू नो मेरे दिमाग में था मुझे करना है मुझे करना है मुझे करना है, आई हैव टू डू इट एनी कॉस्ट. आपसे बात करने के टाइम में मुझे यही फील हुआ कि जो आपने टाइमलाइन सेट किया था दैट समहाउ काइंड ऑफ यू नो ट्रिगर्ड यू कि हाँ मुझे करना ही है एंड इसी टाइमलाइन के अंदर करना है, वो एक एक्स्ट्रा पुश था आपके लिए. एग्जैक्टली वो मुझे करना है, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम बिकॉज पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब जब आई है तो बस यू हैव टू डू इट एंड व्हेन यू लाइक अगर आप ठान लो ना कि आपको करना है सो देन यू डू इट. मेरे लिए बहुत मुश्किल था मोटिव, वो 8 बजे उठना, आप पूरे रात के थके हुए, आपका दिल नहीं चाहता बेड से उठो, बट एनी हाउ व्हेन यू हैव समथिंग इन योर लाइफ आपने डाला था उसका रिजल्ट अभी आज हमारे सामने है एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड जो स्माइल आपके चेहरे पे दिख रहा है आई थिंक दैट इज द रीजन. मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी एंड एज वेल एज फीलिंग प्राउड कि हमारे स्टूडेंट्स आज मतलब सुबह से वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड कीपिंग अ ट्रैक कि सबका आ रहा है रिजल्ट्स एंड इट्स लाइक वी आर गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि हाँ आप जब जॉब कर रहे होते हो कर रहे होते हो एकेडमिक मतलब एकेडमिकली इज लाइक यू डोंट हैव टू हसल बसल फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल, यहाँ से कलेक्ट करना है वहां से, और लिटरली मैं किसी मटेरियल की तरफ गई नहीं, इवन आई वाज ऑन द मेनी ग्रुप्स वहां मटेरियल आ रहा बट आई यू नो सीरियसली आई डिडंट लुक एनी मटेरियल. बस जो हमारे LMS पे मॉक्स होते थे वो मैंने बहुत अच्छे से किए थे, 8 से 10 दफा वो मैंने मॉक्स किए थे, एवरी मॉक. कैलकुलेशन वाज लाइक टिप्स पे थी, ऐसी थी कि आंसर्स याद हो गए थे, तो कुछ कैलकुलेशन इतनी डिट्टो आई थी, आई जस्ट डिडंट परफॉर्म द कैलकुलेशन, आई जस्ट टिक द आंसर. ओके अच्छा, इस बारे में आप मुझे बताइए थोड़ा सा कोई क्विक टिप जो बच्चे अभी अपीयर करेंगे उनके लिए, जैसे कि कैलकुलेशन या फिर केमिस्ट्री हो गया, ये कुछ टॉपिक है जहाँ पे बच्चे डरते हैं, सच में डरते हैं, मतलब एक डर बैठा हुआ है राइट, तो मतलब उसको ओवरकम करने का कोई क्विक टिप जो आपने भी फॉलो किया था? ये है कि केमिस्ट्री मैंने एकदम एंड में की थी, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि ना वो आप जितना भी करो ना वो याद नहीं रहता, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत बुरी है, आई एम अफ्रेड ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मेरा ये दो बहुत बुरा है. लेकिन एनी हाउ जो हमें कोचिंग्स और हमें ये दिया गया केमिस्ट्री में, दिनेश सर ने भी बहुत अच्छा हमें पढ़ाया, फिर केजिया मैम की भी हमने क्लासेस ली थी तो वो भी बहुत अच्छी थी, उससे भी ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे, मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू रोट लर्न समथिंग, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इफ यू हैव दैट कॉन्सेप्ट्स ना तो आप उससे भी केमिस्ट्री कर लोगे. अब मैं बहुत डर रही थी, अल्लाह पता नहीं क्या केमिस्ट्री में आएगा, क्या केमिस्ट्री में आएगा, बट नो जब जैसे ही पेपर देखा आई वॉज सो रिलैक्स, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स थे और बहुत यानी बहुत प्रोमिनेंट चीजें, इट्स नॉट लाइक कुछ मिक्स हो जाएगा कुछ ये हो जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. एंड कैलकुलेशंस वाज लाइक यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हियर एंड देयर, कैलकुलेशन आप वही करें जो आपको मैम करा रही है एंड जस्ट प्रैक्टिस दैट ओनली, बिकॉज यू नो एंड मोमेंट पे क्या होता है कि जब हम क्लासेस ले रहे थे ना तो सब ये कह रहे थे कि ये कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन, मतलब डिस्कशन हो रहा था कि ये है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जो हमारे कैलकुलेशन जो हमारे 3 हैंडआउट थे यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दैट, डिट तो आपके वही आएंगे एंड कुछ अलग आता है तो इट्स इट्स ऑन द सेम पैटर्न. Not to worry about the calculations. क्योंकि हमारी क्लासेस में भी ना सब calculations के लिए बहुत worried थे, calculation and chemistry part. But it was easy, no need to worry. Okay. So Sonia, और एक question है मेरा कि I know papers different होते हैं, papers के जो question set होता है थोड़ा different होता है, जैसे day wise vary करते हैं, but कुछ ऐसा tip जो कोई भी aspirant follow करे, right? And मतलब आपके एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि अगर हाँ आपने ये इस पैटर्न में पढ़ाई किया है यू विल बी फॉर श्योर यू नो पासिंग द एग्जाम. या ये है कि आप जो है जो जो लेक्चर्स आपको कराए जा रहे हैं मेक श्योर कि आप उसको कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहें, ताकि जो है ना वो क्योंकि ना CVS एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वो याद ही नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं जाके वो मिक्स हो जाता है, वो ANS से जाके मिक्स हो जाता है,
सो आई विल रिकमेंड कि ना आप वो मिक्स कर देते, वो मेरी भी आदत है, मैं भी मिक्स कर देती, लेकिन मैंने क्या किया कंटिन्यूएशन में मैं रही और डे वाइज जो है ना अपना टारगेट सेट, यू नीड टू सेट द टारगेट, और एंड मोमेंट पे अगर आप सब अपने लिए रखोगे ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो डेली एटलीस्ट 2 hours आप दें या एटलीस्ट 1 hour आप दें. सो जो चार्ट्स मैम देती हैं और जो भी हमारे लेक्चर होते हैं उसको आप 2-2 घंटे एटलीस्ट आप रिवाइज करें तो वो आपके लिए इजी रहेगा. और मैंने भी इसी पैटर्न पे किया था और हर हर दिन के टारगेट सेट किए थे, तो वो टारगेट सेट करना ही वो था. और लेक्चर्स को आप कंटिन्यूएशन में सुने, लाइक इट हेल्प्स मी अलॉट. लाइक बार बार मैंने लेक्चर सुने भी थे तो वो जो डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन बहुत हमारी वो, क्योंकि ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि ना वो लग रहा था कि आउट ऑफ वो आ गए, बट इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट ना कि हाँ इसको आप इससे कनेक्ट करोगे, सो समहाउ यू एबल टू डू दैट. और कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ डिस्कशन से ही हमें इतनी अच्छी हो गई थी कि बस उसको आंसर देखते ही अच्छा ही हमने वहां डिस्कस किया था, तो आई जस्ट टेक दैट. इस तरह मेरे साथ हुआ था. तो कुछ पेपर 2, जैसे पेपर 1 इजी था, पेपर 2 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ गया था, तो वो ये था कि लेकिन जो डिस्कशन हमने क्लास में किया था ना वो इट इज वेरी फ्रूटफुल, तो डिस्कशन इज वेरी नेसेसरी, सो उससे आप कनेक्ट करके यू कैन डू दैट, इट्स नॉट अ बिग डील. ओके ओके. एंड एनी फाइनल वर्ड्स दैट यू वांट टू शेयर, मतलब आई वी आर रियली हैप्पी for your achievement, but again any final words you want to share with us, and as well as ki jo hamare next set of learners hai, jo aspirants hai, right, jinka journey chal raha hai, to koi final tips unke liye? Unke liye yahi tips hai ki bhai aap jo hai continuation, matlab ye hai ki rozana aap thoda thoda padhe, theek hai, aur especially jo hamare mocks hote hain usko zarur lazmi kare, kyunki amuman kya hota hai bacche wo chhod dete hain, they are continuation wo handouts pe itna focus karte hain, us pe focus kare, की पॉइंट्स को जहन में रखें और जो है मॉक्स को लाजमी करें. डू द मॉक्स, मतलब इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मॉक्स से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 50-60% इट्स फ्रॉम द मॉक्स, फॉर मी इट्स फ्रॉम द मॉक्स, सो आई डोंट नो अबाउट द अदर्स. और एकेडमिकली अगेन हसल बसल, यू डोंट हैव टू डू, यू हैव डोंट हैव टू, यू हैव एवरीथिंग इन वन प्लेटफॉर्म, सो इट्स लाइक ऑल इन वन, लाइक you don't have to run here and there, kyunki jo aap job karne wale hote hain jinki families hoti hain they don't have any time ke wo extra material kahan se collect kare, to academically is a platform ke jo aapko hustle bustle karne nahi dega, matlab ye hai ki ek platform mein aapko sab kuch mil jayega. And mujhe team bahut achhi lagi, hamari faculty Nancy ma'am, Kasia ma'am, Dinesh sir, Kamar sir, Roy sir, Femi ma'am, Femi, everyone was very nice, hamari queries bhi clear kar rahe the, time to time answer bhi kar rahe the, so it was all very good with them, matlab my faculty bhi bahut achhi thi. I'm very delighted to have to be the part of academically and to be the student of academically. Thank you so much Sonia for your kind words. And aaj ka celebration ka kya plan hai? I'm sure you would have planned something. Actually, मैं अभी वेकेशन पे पाकिस्तान आई हुई हूँ, एंड आई जस्ट केम फॉर माई निका, आई हैव जस्ट गॉट मैरिड, कंग्रेचुलेशंस. सो थैंक यू. सो अभी है कि अभी संडे को मैं चली जाऊंगी दोबारा, सो इट्स लाइक अब जो जर्नी थोड़ा सा रह गया है अब वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने का है अलॉन्ग विद माई पार्टनर नाउ. So really good to hear inshallah that. By the next end of the next of, I'm hoping that I will be in Australia. Definitely, I think next time when we will be communicating again, hum log aapka us time ka journey cover definitely karna chahenge. So yeah, because I don't want to delay anymore. What I like the most next process kya hai, but I want जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट, कि आपने जो टाइमलाइन सेट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, आई थिंक वो एक जो एक्स्ट्रा पुश आपको दिया है, दैट्स व्हाई यू आर टुडे. यस, एंड थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, प्लीज एंजॉय योर डे, एंड जो एफर्ट आपने डाला था उसके लिए थोड़ा सा आज तो रिलैक्सेशन बनता है, प्लीज एंजॉय.